हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भाषा और लिपि को सीखेंगे, यानी कि किस भाषा को किस लिपि में लिखी जाती है, यह भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, एक तरफ हम लोग देखेंगे भाषा और दूसरे तरफ हम लोग देखेंगे लिपि। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में है संस्कृत, हिंदी और गुजराती। यहाँ पर तीन भाषाएँ दी गई हैं, संस्कृत, हिंदी और गुजराती। ये जो तीनों भाषाएं हैं, ये तीनों भाषाएं को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। कौन कौन सी भाषाएं हैं? संस्कृत, हिंदी और गुजराती। ये जो तीनों भाषाएं हैं, इसको लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। दूसरा में है पंजाबी। पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा को किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। तीसरा में है उर्दू। उर्दू भाषा को फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा को किस लिपि में लिखी जाती है? फारसी लिपि में। आगे है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा को किस लिपि में लिखी जाती है? तो रोमन लिपि में लिखी जाती है। आगे है बंगला भाषा। कौन भाषा? बंगला भाषा। तो बंगला भाषा को बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। बंगला भाषा को किस लिपि में लिखी जाती है? तो बांग्ला लिपि में। तो फ्रेंड्स, एक बार और इसे मैं दोहरा देता हूं। देखिए, संस्कृत, हिंदी और गुजराती भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा को फारसी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखी जाती है और बंगला भाषा को बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको भाषा और लिपि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।